नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। आईसीसी ने 2023 वर्ल्ड कप की सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 का किया ऐलान। चैंपियन कप्तान को नहीं मिली जगह, भारत के 6 खिलाड़ी शामिल। संजय राउत बोले, बीसीसीआई को वास्तव में क्रिकेट से प्यार था तो उन्हें कपिल को बुलाना चाहिए था। केरल 12 विधेयकों को मंजूरी में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को जारी किया नोटिस। उत्तरकाशी, पाइल मशीन से की जाएगी वर्टिकल बोरिंग, 1.5 मीटर के आकार का किया जाएगा छेद। सिलकियारा टनल पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट, ताजे हालात का लिया जायजा। बिहार के लखीसराय में छठ घाट से लौट रहे परिवार पर फायरिंग, 2 की मौत, 4 जख्मी। ऑस्ट्रेलियाई विदेशी मंत्री पेनी वॉन्ग दिल्ली पहुंचे, राजनाथ सिंह और जयशंकर संग करेंगे बैठक। उत्तरकाशी, सिलकियारा सुरंग में फंसे मजदूरों तक खाना पहुंचाने के लिए डाली जा रही 6 इंच की पाइप। ईरानी के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने मुस्लिम देशों से की इजराइल से संबंध खत्म करने की अपील। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर लगी आग, 40 नाव जलकर खाक। छठ पूजा, पटना में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य किया। महाराष्ट्र हिंगोली में आज सुबह 5:09 पर भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। जयपुर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 3 दिन तक राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। दिल्ली ITO घाट पर छठ की तैयारी, सुबह दिया जाएगा उगते सूर्य को अर्घ्य। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला राजलिन कार्टर का 96 साल की उम्र में निधन। दिल्ली, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। पीएम मोदी आज पाली और पीलीबंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे, बीकानेर में रोड शो करेंगे। मैं आज सुबह थोड़ा घबराया हुआ था, जीत के बाद बोले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस। मध्य प्रदेश हरदा में महानगरी एक्सप्रेस का इंजन फेल, 5 घंटे में सिर्फ 15 किलोमीटर चल सकी। विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की हार। छठी बार विश्व विजेता बनी ऑस्ट्रेलियाई टीम, भारत को हराया। 20 समंदर हेलीकॉप्टर से हुती विद्रोहियों की लैंडिंग, भारत आ रहे जहाज से 25 को किया किडनैप। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। धन्यवाद।